सो यो व्हाट्स अप वीडियो, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ रौनक नटन टॉक। सो गाइस, आज अपन बात करेंगे डे वन टेस्ट रिव्यू करेंगे कि डे वन कैसा रहा WTC फाइनल का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, डे वन का एंड का स्कोर रहा इंडिया का 146/3। इंडिया की शुरुआत तो वैसे काफी अच्छी हुई थी, रोहित शर्मा और सुमन गिल ने काफी अच्छा स्टार्ट दिया था और बॉल काफी स्विंग और सीम दोनों करती थी, परंतु इसके एज वेज में निकले पर इंडिया का थोड़ा सा भाग्य का साथ भी मिला प्लेयर्स को। और ओपनिंग स्टैट हुआ 62 का ओपनिंग स्टैट हुआ। फिर काइल जेमिसन ने अच्छी गेंद डाली, रोहित शर्मा ड्राइव करना चाहते थे पर बैट उनका वहीं हैंग हो गया, तो एज निकल गई थी। टीम साउदी ने एक बढ़िया थर्ड सीट में कैच पकड़ा। फिर उसके बाद अगली ओवर में नील वैगनर की गेंद पे सुमन गिल कैच थमा बैठे बीजे बॉटलिंग को, विकेट कीपर को। फिर उसके बाद चेतेश्वर पुजारा आए और थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया अपने हिसाब से, जैसा कि वो खेलते हैं, कुछ चौके भी लगाए परंतु उन्होंने भी अपना विकेट खोल दिया। ट्रेंट बोल्ट की अच्छी एक अंदर आती हुई गेंद ने उन्हें LBW आउट कर दिया। इस समय न्यूजीलैंड काफ़ी हैवी हो गई थी टीम इंडिया पे, काफ़ी हैवी तो नहीं हुई थी, मतलब उन्हें अपना प्रेशर लगा दिया था। फिर इसके बाद अजिंक्य रहाणे वाइस कप्तान आए, उन्होंने कप्तान विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप करी और पार्टनरशिप उनकी अच्छी हुई। ये इंडिया के लिए अच्छी बात है और अपने लिए जो एज अ इंडियन। सो 146/3 अभी इंडिया का स्कोर है और पूरे ओवर नहीं हुए थे, 64 ओवर हुए कुछ लगभग। तो गाइस, अपन जानते थे कि क्या इस पिच पे एक अच्छा स्कोर होगा जहाँ पे बॉल काफ़ी अच्छी सीम स्विंग हो रही है। सो गाइस, मेरे हिसाब से टीम इंडिया सोच रही होगी कि वो 300-350 रन तक पहुँचे, जिससे कि वो न्यूजीलैंड टीम जब बैटिंग करने आए तो उन पर प्रेशर बना सकते हैं। सो 300-350 तक पहुंचने के लिए अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली में से किसी एक को खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद बल्लेबाजी में थोड़ी कम है, बल्लेबाजी में ज़्यादा विकल्प बचे नहीं है भारतीय टीम के पास, क्योंकि इसके बाद रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और बाकी सारे टैलेंटर आने लग जाएंगे। सो इंडिया को एक अच्छे 300-350 तक पहुँचने के लिए विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे में से किसी एक को आखिर तक टिके रहना होगा। सो गाइस, ऐसी कंडीशन में इतना स्कोर काफ़ी अच्छा हो रहा है, रन रेट वैसे स्लो है, बाकी सेशन रन रेट वैसे काफ़ी स्लो है, परंतु ऐसी कंडीशन में जहाँ बॉल अच्छी सीम स्विंग दोनों हो रही है और विकेट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं जरा सी भी गलती में, तो इंडिया ने अपना काफ़ी अच्छा स्कोर कर रखा है वैसे देखा जाए तो। सो गाइस, आपको अगर ये टेस्ट रिव्यू की वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को दबा देना लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।